Assalamu alaikum viewers, my name is Rizwan Cheema. Welcome back with another video of Lahore Smart City Walking Tale episode 28. इस वीडियो में आपको मैं लाहौर स्मार्ट सिटी में जो ब्लॉक बी है जिसमें 5 मरला की कटिंग्स हैं और कुछ कॉर्नर प्लॉट 7 मरला के भी हैं तो उस हवाले से बताऊंगा। जैसे ब्लॉक ए है जिसमें सिर्फ 10 मरला की कटिंग्स हैं और कुछ कनाल कटिंग्स हैं और 10 मरला के कुछ कॉर्नर प्लॉट हैं विद एक्स्ट्रा लैंड, वो 12 मरला के हैं, कम हैं लेकिन हैं ज़रूर। तो इस वक्त ब्लॉक बी की डेवलपमेंट मैं आपको पास से दिखाता हूँ। ये ब्लॉक बी है, ये आज से 1 महीना पहले तकरीबन यहाँ पे रॉ लैंड पे कोई ऐसा वर्किंग नहीं हो रही थी, बट इसमें इस वीडियो के बाद मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा विद ड्रोन, तो उसमें आपको आइडिया मिल जाएगा। इस वक्त साइड पे ब्लॉक बी की साइड पे तकरीबन 9 स्ट्रीट्स हैं और तकरीबन 7 लेन्स हैं जिन पर डेवलपमेंट हो रही है। तो अराउंड टोटल नंबर ऑफ प्लॉट इस ब्लॉक बी में बनते हैं दैट इज 1000 to 1100 जिनका पोजेशन सोसाइटी एक्सपेक्टेड है कि मई के एंड तक ऑफर कर देगी। सोसाइटी ने अनाउंस किया था मार्च में ब्लॉक ए का पोजेशन, तो मार्च के फर्स्ट वीक में भी इसका पोजेशन ऑफर कर दिया गया है। जो इंडिविजुअल्स चाहें अपने प्लॉट पे इटसेल्फ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह ब्लॉक बी का पोजेशन है, ब्लॉक बी का सोसाइटी की तरफ से मई के एंड तक आ गया है, बट एक्सपेक्टेड है कि मई से पहले ही मई के फर्स्ट वीक तक शायद इसका पोजेशन हैंड ओवर हो जाए, क्योंकि इस वक्त साइट पे सिर्फ एक ब्लॉक के लिए अराउंड 70 to 80 मशीनरी है जो काम कर रही है। अगर मैं आपको ओवरऑल इसकी लोकेशन एक्सप्लेन करूँ, यह जी ब्लॉक बी की नॉर्थ साइड है जहाँ पे लाहौर ईस्टर्न बाईपास और ये आपको नजर आ रहा होगा लाहौर ईस्टर्न बाईपास। अगर हम बात करें इसकी ईस्ट साइड पे तो लाहौर जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड और उसके साथ जो एंट्रेंस रोड बनना है, एक्सेस रोड बनना है जहाँ से अंडरपास बनेगा, उसके लेफ्ट साइड पे वाक़ है। अगर हम बात करें साउथ साइड की, सॉरी वेस्ट साइड की, वेस्ट साइड पे इसके चक 44 है, उसकी बैक साइड पे एक एक्सेस रोड और है जो लाहौर स्मार्ट सिटी को एक्सेस प्रोवाइड करेगा। अगर हम बात करें वेस्ट साइड की तो इस साइड पे आपका लाहौर सियालकोट M11 मोटरवे है जो कनेक्ट करती है लाहौर को और सियालकोट को, और इस साइड पे सोसाइटी आगे जाके काफ़ी डेवलपमेंट कर रही है। इनफैक्ट मैं अगर यहाँ से जूम पे तो नहीं दिखा पाऊंगा बट वो कुछ आगे आपको कंटेनर्स नजर आ रहे होंगे। इसके साथ ही सोसाइटी ने अपने ऑफिसेज, अपना जो बैशिंग प्लांट है, इसके अलावा अपना जो आप कह लेंगे टाइल, टफ टाइल मेकिंग प्लांट है वो लगाया हुआ है। तो ये साइड पे सब डेवलपमेंट ब्लॉक बी के साथ हो रही है। सोसाइटी ने इनिशियली तकरीबन ट्राई किया कि 1 साल के अंदर अंदर 1500 से 2000 प्लॉट है जिनका पोजीशन दे दे और हर 3 महीने बाद तकरीबन सोसाइटी 500 से 600 प्लॉट देने की पोजीशन में हो। इस वक्त रॉ लैंड जो है जिस पे काम हो रहा है वो तो इस तरफ है, काफ़ी ज़्यादा एरिया बनता है जिस पे काम हो रहा है, लेकिन सोसाइटी ने इनिशियली 2 सेक्टर्स की बात की थी ब्लॉक ए और ब्लॉक बी की कि इन 2 सेक्टर्स में हम पहले पोजीशन दे देंगे और विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर बाकी सेक्टर्स में भी पोजीशन ऑफर करते रहेंगे। 3-3.5 साल का पेमेंट प्लान था मेंबर्स का, कुछ इनिशियल मेंबर्स थे जो फर्स्ट रेट पे आए थे उनका 4 साल का पेमेंट प्लान भी था। तो हर एक मेंबर को बशर्ते ये कि यकीनी तौर पे विद द पैसेज ऑफ टाइम इंस्टॉलमेंट कंप्लीट होने से पहले, यानी कि उनकी ड्यू इंस्टॉलमेंट में भी टाइम रहता होगा और उनको अपने प्लॉट्स का पोजीशन हैंडओवर हो जाएगा। ये जी सीवरेज लाइन है ब्लॉक बी में, मैं आगे चलता हूँ ब्लॉक बी में जो मशीनरी जहाँ पे काम कर रही है और कुछ स्ट्रीट, क्योंकि ब्लॉक बी में छोटे स्ट्रीट्स हैं, छोटे स्ट्रीट्स मुराद के 5 मरला की कटिंग्स हैं, तो ये कंपेरिजन टू ब्लॉक ए के जो ज़्यादा काम रिक्वायर्ड था, वहाँ पे प्लॉट 600 हैं लेकिन इस ब्लॉक से डबल साइज के डेवलपमेंट है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रीट्स जो हैं उनकी वेट कह लें या बाकी ओवरऑल जो कटिंग है प्लॉट्स की ज़्यादा है, तो इसलिए सोसाइटी ने वहाँ पे टाइम थोड़ा इनिशियली 7-8 माह लगाया था। ये अगले 2-3 महीने में ब्लॉक मुकम्मल रेडी हो जाएगा। अगर इस ब्लॉक की हम बात करें तो इनिशियल जो सबसे पहला काम किया गया इस ब्लॉक में वो है ये सीवरेज की लाइन बिछाना। ये ब्लॉक बी में जितनी ड्रेनेज की लाइन है, ये तो मेन रोड के साथ ड्रेनेज की लाइन होगी, ये आई थिंक मेन रोड की प्रीमिसेस हैं जिस पर डेवलपमेंट अभी हो रही है, और ये मेन रोड के साथ पहली स्ट्रीट होगी, पहली लेन होगी, बल्कि ये वर्टिकल है तो वर्टिकल तौर पे लेन्स होती हैं। ये एक्सपेक्टेडली 50 फीट का रोड होगा। इसके साथ भी जो ड्रेनेज लाइन है, सीवरेज लाइन है, वो बन चुकी है। ये ड्रेनेज लाइन है जो मेन रोड के साथ होगी, ये सीवरेज लाइन है जिसको यहाँ पे ऑलरेडी बिछाया जा चुका है। आगे चलते हैं, इस साइड पर देख लीजिए कुछ वाटर स्प्रिंकलिंग हो रही है ताकि मिट्टी ना उड़े, इसके बाद इसको साथ साथ कॉम्पैक्ट किया जा रहा है, ये कॉम्पैक्टर्स लगे हुए हैं ताकि जितनी रोड की मजीद स्ट्रेंथ है उसको एनहांस किया जा सके। ये साइड हमारे साइड इंजीनियर द्वारा काम कर रहे हैं। अच्छा, ये ब्लॉक बी की पहली स्ट्रीट है, अब मैं स्ट्रीट पर एक्सप्लेन करता हूँ। इस स्ट्रीट की विड्थ है 40 फीट। इस स्ट्रीट की दोनों साइड पे जो प्लॉट्स हैं, स्ट्रीट पे भी सिर्फ कॉम्पैक्शन का काम हुआ है, यानी इनिशियल जो काम होता है कि मिट्टी को थोड़ा सा रेस करके ग्राउंड से उससे जो कॉम्पैक्शन काम होता है,
और उसके साथ जो सेकंड काम हुआ है, बल्कि तीन काम हुए, टोटल दो काम रहते हैं, वो अगले दो महीने में हो जाएंगे। सेकंड काम ये हुआ इसका सीवरेज का बनना, सीवरेज की लाइंस का बिछना यहाँ पे, और थर्ड काम जो हुआ है वो अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिफिकेशन का वो काम हो गया यहाँ पे। अगर इस साइड पे हम देखते हैं तो इस स्ट्रीट पे भी सीवरेज काम जो है वो 100% कंप्लीट है, ये आपको नजर आ रहे होंगे, ये सीवरेज पॉइंट है। अक्सर लोग बात करते हैं लाहौर स्मार्ट सिटी में रेलवे लाइन के साथ है तो उसका इम्पैक्ट होगा। सोसाइटी ने बड़ा स्मार्टली इसको ऐसे प्लान किया कि इसके साथ बिल्कुल कमर्शियल प्लॉट्स रखे, हाई राइज ग्राउंड प्लस 5 की बिल्डिंग के साथ, तो ऑटोमेटिकली जो ये अभी व्यू मिल रहा है आपको ट्रेन का ब्लॉक बी से, ये खत्म हो जाएगा, नल वॉइड हो जाएगा, क्योंकि जब ग्राउंड प्लस 5 की बिल्डिंग होगी और उस तरफ आगे प्लांटेशन भी काफी ज्यादा है तो इसकी एक तो आवाज भी कम हो जाएगी, प्लस ओवरऑल जो यहाँ पे बिल्डिंग के साथ व्यू है वो ब्लॉक हो जाएगा। रेजिडेंशियल प्लॉट से इसकी हाइट होती है ग्राउंड प्लस 1 की, और ग्राउंड प्लस 5 की बिल्डिंग जब होगी तो इनको यहाँ से जो व्यू मिलेगा वो ग्राउंड प्लस 5 की उस बिल्डिंग का मिलेगा, ना कि ये रेलवे लाइन का, तो ये काफी अच्छा हो जाएगा आने वाले वक्त में। तो इस स्ट्रीट पे फॉर द टाइम बीइंग जो डेवलपमेंट है वो आपको दिखा दी है कि सीवरेज लाइन बिछ चुकी है, सीवरेज लाइन के साथ जो रोड साइड फुटपाथ से पहले डिवाइडर होता है जो आपकी इस ये जो आपकी स्ट्रिप बन रही है, ये सारी की सारी ड्रेनेज लाइन के साथ कनेक्ट होती है, और ड्रेनेज लाइन जब बरसाती पानी होता है वो ऑटोमेटिकली कलेक्ट करके मेन होल्स में प्रोवाइड कर देती है। ये स्ट्रीट 1, इससे आगे पे स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5, इस तरफ देखें वर्टिकल देखें तो ये लेन 1, लेन 2, लेन 3, लेन 4, लेन 5, लेन 6, लेन 7 एंड लेन 8, ये 8 लेन्स हैं, इसमें 9 तकरीबन स्ट्रीट्स बनती हैं। मैं ओवरऑल ड्रोन की वीडियो में तो वहाँ चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये ओवरऑल ब्लॉक बी में जो डेवलपमेंट है आज की डेट में वो यहाँ स्टैंड करती है। सो व्यूअर्स, दिस वाज इट फॉर टुडे। अगर आपको लाहौर स्मार्ट सिटी या कैपिटल स्मार्ट सिटी में बुकिंग के बारे में कुछ मालूमात चाहिए हो तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने हमारी वेबसाइट विजिट करनी हो तो www.makansolutions.com आपसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। रिजवान चीमा को दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए, खुदा हाफिज़।